वेलकम बैक टू लर्निंग हरियाणा। हमने अभी जो यूनिट की उनका डिस्कस करते हैं, ये जैसे पहला सवाल है कैलकुलेट 25 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है 273 केल्विन। तो इसकी जगह क्या है प्लस 273 केल्विन क्या बन जाएगा 298 डिग्री केल्विन क्या बन जाएगा 298 केल्विन। और आगे बदलना है हमने 273 केल्विन को ही, किसको बदलना है 273 केल्विन को इनटू सेल्सियस। तो यहां पर केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलना है, केल्विन इनटू सेल्सियस, तो ये क्या हो जाए केल्विन माइनस 273। तो ये कितना है 273 माइनस 273 क्या आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। क्या आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। उल्टा करना हो कुछ और रिलेशन है, जैसे हमने बदलना है 25 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलना है। फार्मूला लगाओ 9/5 सी प्लस 32। तो यहां पर सी की जगह वैल्यू रखेंगे 9/5 इंटू 25 प्लस 32 5 जा 25 45 प्लस 32 5 2 7 तो 77 डिग्री फारेनहाइट। 77 डिग्री फारेनहाइट हमारा आंसर आ गया। अगर हमने बदलना हो 37 डिग्री सेल्सियस जो कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, वो 9/5 इंटू 37 प्लस 32 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27 और 6 33 बाय में 5 प्लस 32 एलसीएम लेंगे कितना आएगा 160 आएगा। आ गया तो यहां से ले लिया ना हमने सीधा ही 5 एलसीएम कितना आएगा 5 5 तो 33 प्लस 1/60 तो ये कितना बनेगा 493 बाय में 5 तो ये कितने पे जाएगा 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ये यहां पर आंसर आ गया। कुछ और डिस्कस करते हैं, ये नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कन्वर्ट 41 डिग्री सेल्सियस इनटू फारेनहाइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा फारेनहाइट माइनस 32 इनटू 5/9। तो यहां पर ये क्या है हमारा 32 वाला फार्मूला है, 41 डिग्री फारेनहाइट है फारेनहाइट इनटू सेल्सियस। तो यहां पर क्या है 41 माइनस 32 इंटू 5/9 ये कितना रेशो आया दोनों का 9 इंटू 5/9 9 से 9 कट जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 273 केल्विन इंटू फारेनहाइट किसके अंदर फारेनहाइट के अंदर। तो K किसके इक्वल होता है 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ये फारेनहाइट केल्विन वाला 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। तो इधर लेके आएंगे 273 और ये 273 हमारा क्या आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर आ जाएगा ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा कन्वर्ट 212 डिग्री फारेनहाइट इनटू सेल्सियस ये लास्ट सम करेंगे हम हमारा। तो फार्मूला क्या रहेगा बेटा एफ माइनस 32 इंटू 5/9 तो यहां पर 212 माइनस हमारा क्या है
32 और ये दोनों का रेशियो आएगा इंटू 5/9, दोनों का रेशियो आएगा अंतर आएगा 180 गुणा में 5/9, 9 से काटेंगे 20 गुणा में 5, 100 डिग्री सेल्सियस कितने फारेनहाइट के बराबर होता है, 212 डिग्री फारेनहाइट के। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो और लाइक, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।